Hi friends, I got a new phone today on my marriage anniversary as a gift. पिछले 6 सालों में मैंने कोई नया फ़ोन लिया नहीं था तो my wife insisted I should get a new one. Before buying, there were a few questions on our mind, which brand to go for, iPhone, Samsung या OnePlus. Considering all the situation and budget, this is the one we got. दिखाते हैं आपको. Hi guys, so we have reached GIP और अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो इस शॉप के सामने से जल्दी से निकल जाएं। तो हम लोग 3rd floor पे जाएंगे रिलायंस डिजिटल और देखते हैं वहाँ पे कौन से मोबाइल्स अवेलेबल हैं इस टाइम पर। All in all, good collection here in Reliance Digital. क्वाड कैमरा सेटअप है, मैन कैमरा 64 मेगापिक्सल है, साथ में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है, तो 64, 12 और 5 एंड 5 एंड फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा है, हमें 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा यहां पर सेल्फी में 32 यस मैम बिल्कुल। तो यहां पे इस रेंज में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बेस्ट है। साथ ही साथ अगर 3D एक्सपीरियंस की बात करें यहां पे डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको मिलता है, बॉटम में भी स्पीकर है, यहां पे इसमें भी आपको स्पीकर मिलता है जो 3D सराउंड साउंड आपको प्रोवाइड कराता है। और इसे अगर प्रीमियम में जाते हैं तो हमें दो मॉडल आ जाएंगे, S20 FE आ जाएगा और S20 OnePlus आ जाएगा। S20 आ जाएगा, अभी S20 में लेटेस्ट में S20 FE और S20 OnePlus आ जाएगा, ये दोनों फ्लैगशिप डिवाइस आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी पर आ जाता है, कैमरा मार्केट में सबसे बेस्ट माना जाता है डुअल पिक्सल कैमरा क्वालिटी में। जी, यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड प्लस स्क्रीन आ जाता है, यहाँ पे डायनामिक एमोलेड आ जाता है, फुल एचडी प्लस आ जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक अगर बात करें कि डिस्प्ले की डिटेलिंग की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे अगर 94% का कलर ग्रेड दिखाएगा, ये 100% आपका ग्रेड दिखाएगा, तो डिस्प्ले क्वालिटी मच बेटर हो जाती है सुपर एमोलेड प्लस से डायनामिक एमोलेड। इसका क्या रेट होगा? ये 51,000 रुपीज़ का। अभी तो फिलहाल तो इतने ये वाले बजट में नहीं जाना है। बिल्कुल, तो मैं वही रेकमेंड करूँगा मैम, आप ये वाला डिवाइस आप ट्राई कीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा, आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, अंडर 40 सबसे बेस्ट डिवाइस है, सबसे अवेलेबल डिवाइस है, रफ एंड टफ कह सकते हैं आप इसे। और ये वाला फाइनल कितने में रहेगा? इसका अगर जाते हैं 51,000 रुपीज़ का इसका फाइनल कॉस्ट आता है, अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं तो इसका भी अपग्रेड बोनस ऑफर चल रहा है, जो बेसिकली पुराने फोन से एक्सचेंज बोनस ऑफर में 46,000 में इसका बेस्ट प्राइस आता है। 46 बेस्ट प्राइस आ जाएगा, चलो अभी हम डिसाइड करते हैं। थैंक यू। हमने ले लिया है मोबाइल लाने की सेलिब्रेशन की सेलिब्रेशन और इतना सब थक गए हैं कि हम थोड़ा कुछ मैकिंग कर लेते हैं। पहले तो पार्सल करवाया था लेकिन मोबाइल लेते पे तो इतना टाइम हो गया कि अब यहीं हम खा लेते हैं। सो वी अनबॉक्स इट राइट एंड वी शो यू व्हाट वी हैव इन दिस बॉक्स और उसके बाद फिर फोन ऑन करके बाकी और भी चीजें डिस्कस करते हैं। अनबॉक्सिंग वाला पार्ट आजकल सबसे जल्दी हो जाता है क्योंकि फ़ोन के बॉक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। दिस इज़ लुकिंग ऑसम फंटेबुलस। तो फ़ोन को रखते हैं एक साइड और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो विल ओपन दिस, ये चार्जिंग केबल है विदाउट अडाप्टर और ये डॉक्यूमेंटेशन है। अनबॉक्सिंग इज़ डन। स्क्रीन साइज़ है इसका 6.7, काफ़ी हैंडी है और मेटेलिक फ्रेम है। फ्रंट और बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास विशियस है। उसके बाद अगर आप ये फ़ोन देखेंगे तो इसमें आपको 3 कैमरे मिलेंगे, 64+12+12। फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा। ओवरऑल दिस फ़ोन लुक्स गुड। आपको क्या नहीं मिलेगा वो है 3.5 mm जैक, जो कि आपको इस फ़ोन के साथ नहीं अवेलेबल, और ऑल्सो यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सपैंड द मेमोरी। वील रिमूव द प्रोटेक्टिव स्टिकर्स एंड दिस लुक्स ब्यूटिफुल। लेट्स स्विच ऑन द फोन। सो स्क्रीन इज डायनेमिक एमोलेड 2x एंड इज वेरी वाइब्रेंट। एक बड़ा यूनिक सा फीचर है कैमरे से रिलेटेड, डायरेक्टर व्यू, आई विल शो यू। कैमरे में जाते हैं वीडियोस एंड देन मोर, देन वी हैव दिस ऑप्शन डायरेक्टर व्यू, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप
इस फ़ोन के चारों कैमराज को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो OS है एंड्रॉयड 11 और इसमें जो प्रोसेसर है वो है सैमसंग का Exynos 2100 एंड विद IP68। फ़ोन इज़ वाटर रेसिस्टेंट अंडर 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स विच इज़ गुड। सो द प्राइस ऑफ द फ़ोन इज़ 82,000 रुपीज़ और अगर आप ऑफ़र इंक्लूड करते हैं ऑनलाइन या इन स्टोर तो आपको 65,000 के आसपास पड़ेगा, हमें ये 63,000 का पड़ा है। तो गाइज फ़ोन तो ये कल ही आ गया था लेकिन इस वीडियो की वजह से अनबॉक्सिंग करनी थी मुझे, इसलिए मैंने इसमें सिम नहीं डाला था। अब मैं इसमें अपना सिम डालने जा रहा हूँ और यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद आपको एक्चुअल रिव्यू देते हैं कुछ दिनों में कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये यूज़ करने में कैसा है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।